Welcome to Kunwani's English Express, The Art of Learning English. Lesson number 4, Tense. Hello everyone, welcome back to Kunwani's English Express. Hey friends, how are you and what's up? I know you must be waiting for my next video lecture. I'm also damn excited to give you this video lecture. दोस्तों नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। मैं प्रोफेसर ज्योति कुनवानी और मैं आप सभी का कुनवानीज इंग्लिश एक्सप्रेस द आर्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यस फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं टेंस। सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि टेंस का मीनिंग क्या होता है। तो टेंस इस वर्ड का मतलब होता है विच इंडिकेट्स टाइम। ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है और इस वर्ड का मीनिंग होता है विच इंडिकेट्स रिलेशनशिप विद टाइम। तो अब दोस्तों किसी चीज का टाइम से कैसे रिलेशन हो सकता है, इंग्लिश सेंटेंसेस का टाइम के साथ कैसे रिलेशनशिप हो सकता है और ये किस तरह से यूजफुल रहेगा आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले सीखते हैं हम आज के नए idioms। तो सबसे पहला आज का जो idiom है वो है इन अ नटशेल। क्या मतलब होता है इसका? तो मीनिंग बहुत इजी है इसका। किसी भी चीज को शॉर्ट में एक्सप्रेस करने की प्रोसेस को कहते हैं इन अ नटशेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आंसर दिया लेकिन बहुत शॉर्ट में दिया तो हम क्या कहेंगे? शी और ही आंसर्ड इन अ नटशेल। आज का हमारा सेकेंड idiom है मूव अप इन द वर्ल्ड। तो मूव अप इन द वर्ल्ड इस idiom का मीनिंग होता है दुनिया में सक्सेसफुल होना, मतलब टू बी सक्सेसफुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इस तरीके से कहता है आई मूव्ड अप इन द वर्ल्ड। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट idiom की। तो हमारा नेक्स्ट idiom है सेकेंड बनाना। क्या मीनिंग होता है इसका? तो मीनिंग बहुत सिंपल है इसका, सेकेंड ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्लान कर रहे हो और उसमें आपने किसी एक पर्सन को प्लान करके रखा हुआ है, लेकिन आपके प्लान में ये भी है कि अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं हुआ तो किसी और पर्सन के बारे में सोचेंगे, तो द नेक्स्ट पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो हुआ सेकेंड बना। फोर्थ idiom इज टू बी अ पीच। नाउ टू बी अ पीच का मतलब होता है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कोई चीज या कोई पर्सन, समवन और समथिंग विच इज डैम अट्रैक्टिव, उसे कहते हैं टू बी पीच। अब फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा अच्छा है, तो हम उस समय बोलेंगे ही इज टू बी अ पीच। चलिए अब वक्त हो चला है टेंस सीखने का। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स टाइम रिलेशनशिप, मतलब क्रिया का वो रूप जो समय के बारे में जानकारी देता है। अब किस तरीके से क्रिया का कोई रूप समय के बारे में जानकारी देगा? देखिए, हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं ना वो तीन काल में होते हैं। एक जो होता है वर्तमान काल, जो अभी हो रहा है, हो चुका है, होता है या फिर कुछ समय से अभी तक हो रहा है। या जो दूसरा काल होता है वो होता है भूतकाल, जो कि हो गया, हो चुका, हो रहा था। तो इस तरीके से हम बातें करते हैं। और एक जो तीसरा टेंस होता है उसे कहते हैं हम फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्यकाल, जो अभी एक्शन हुई नहीं है लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो होगी, हो रही होगी, हो चुकी होगी, इस तरीके से। मतलब ऑल टुगेदर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। नंबर वन प्रेजेंट टेंस, नंबर टू पास्ट टेंस एंड नंबर थ्री इज फ्यूचर टेंस। सो ऑल टुगेदर वी कैन से टेंस कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के फिर से चार प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, उसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट
एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स और फ्यूचर के अगेन 4 टाइप्स होते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस की। देखिए जो एक्शंस रोज होती है, जैसे कि मैं आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, सूर्य उगता है, हम डांस क्लास जाते हैं, हम खाना खाते हैं, इस तरीके से जो भी होता है एवरीडे लाइफ में उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। लेट्स सी कि इस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसके एग्जांपल्स कैसे बनते हैं। इस टाइप के सेंटेंस बनाते समय आपको स्ट्रक्चर यूज करना है सब्जेक्ट प्लस डू और डस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको डू और डस का यूज करते समय ये ध्यान में रखना होगा कि हमेशा सिंगुलर प्रोनाउंस के सामने आपने डस यूज करना है और प्लूरल प्रोनाउंस के सामने आप डू यूज करोगे, लेकिन यह रूल आई और यू को फॉलो नहीं करता है क्योंकि आई और यू के सामने हमेशा डू ही हम लगाते हैं भले ही वो सिंगुलर हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, आई डू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब होता है मैं इंग्लिश सीखता हूँ, लेकिन जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं डू और डस का उपयोग नहीं करते हैं। तो अगर मैं सेंटेंस में से डू निकाल देती हूँ तो मुझे किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं आई लर्न इंग्लिश। अब जो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है शी डज लर्न इंग्लिश, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने प्रोनाउन शी यूज किया है और शी सिंगुलर होता है, इसलिए इस सेंटेंस में डज का उपयोग किया हुआ है, तो इसीलिए हमारा सेंटेंस बनता है शी डज लर्न इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश बोलते समय डज को भी बोला नहीं जाता है और जब भी डज निकल जाता है तो उस सेंटेंस के मेन वर्ब के आगे एस या फिर ईएस प्रत्यय लगता है, इसलिए इसी सेंटेंस का ऑल्टरनेटिव सेंटेंस बनता है शी लर्न्स इंग्लिश। आइए देखते हैं किस नाउन और प्रोनाउन के सामने डू अथवा डज का इस्तेमाल होता है। कंसीडर दिस टेबल, देखिए यहाँ पर अगर प्रोनाउन आई होता है तो आप उसके सामने डू यूज करेंगे, वी होता है तो डू यूज करेंगे, ही है तो डज यूज कीजिए, शी है तो डज यूज कीजिए, इट के सामने हमेशा डज लगता है, दे के सामने डू लगता है, यू के सामने डू आएगा, अमित एक सिंगुलर नाउन है तो उसके सामने डज लगेगा, उसी तरीके से स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है तो उसके सामने डू लगेगा, एनिमल्स प्लूरल नाउन अगेन डू, रिवर एक सिंगुलर नाउन है इसलिए उसके सामने हम यूज करेंगे डज। तो इसी तरीके से आप डू और डज का यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के सामने हमेशा डज एंड प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के सामने आप यूज करेंगे हमेशा डू, लेकिन ये रूल आई और यू को ब्रेक करता है, आई के सामने हमेशा डू एंड यू के सामने भी हमेशा डू। बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। जो एक्शन प्रेजेंट में कंटिन्यूअस हो रही है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब ये प्रेजेंट में एक्शन कंटिन्यू हो रही है, तो इस समय हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है और किस तरीके से हम इसके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम या फिर इज या फिर आर हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे, प्लस V1 का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसको लगा देंगे ING और प्लस ऑब्जेक्ट। और इस टाइप के सेंटेंसेस के एग्जांपल्स जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट एग्जांपल आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब होता है हम इंग्लिश सीख रहे हैं। शी इज लर्निंग इंग्लिश मतलब वो लड़की इंग्लिश सीख रही है। यू आर लर्निंग इंग्लिश मतलब आप सभी इंग्लिश सीख रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन नाउन एंड प्रोनाउन आप एम इज
आर का यूज करेंगे। हमेशा ये याद रखिए, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के सामने आप यूज करेंगे इज, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के सामने आप यूज करेंगे आ, एंड आई के साथ हमेशा एम लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। परफेक्ट मतलब जो हो चुका, प्रेजेंट में अगर कोई एक्शन हो चुकी है मतलब कंप्लीट हो चुकी है, तो उस समय उस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है और किस प्रकार से इसका मीनिंग बनता है, लेट्स सी। इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए जनरल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज यूज करेंगे आप हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, प्लस V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि हैव यहाँ कहाँ पर यूज करेंगे और हैज का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे। तो जिस प्रकार डू और डस को रूल फॉलो होते हैं उसी तरीके से आप हैव और हैज का यूज करेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पर इस टेबल में हम देख सकते हैं आई के सामने हैव लगता है, वी के सामने हैव, ही के आगे हैज लगता है, शी के आगे हैज, इट के साथ हैज लगता है, दे के साथ हैव, यू के साथ हैव, और अगर कोई नाउन सिंगुलर है जैसे अमित तो उसके सामने हैज लगेगा। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जो भी है उसके सामने हमेशा हैव लगेगा। एनिमल्स प्लूरल नाउन है तो उसके सामने हैव लगेगा। रिवर सिंगुलर नाउन है तो उसके आगे हैज लगेगा। इन शॉर्ट हम इतना कह सकते हैं कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हमेशा हैज लगेगा और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ हमेशा हैव यूज किया जाता है, और ये रूल आई और यू के लिए एक्सेप्शनल है क्योंकि आई और यू के साथ हमेशा हैव लगता है। देयरफॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर लिए हुए हैं, जैसे कि नंबर 1 You have learned English, मतलब आप English सीख चुके हो। She has learned English, मतलब वह लड़की English सीख चुकी है। अब बात करेंगे चौथे प्रकार के टेंस की, मतलब present perfect continuous। अब देखिए कोई action किसी समय से शुरू है लेकिन अब तक हो रही है, अब तक वो complete नहीं हुई, मतलब आधा काम हो चुका पर आधा अभी भी जारी है, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंडिकेट करते हैं। जैसे कि मुझे इस तरीके से बोलना है कि 3 घंटों से बारिश हो रही है। अब देखिए बारिश तो 3 घंटों से हो रही है, तो उसका हाफ काम उसने कंप्लीट कर लिया है लेकिन अब तक हो रही है, तो इस टाइप के टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्सप्रेस करते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस का जनरल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन प्लस मेन वर्ब को लगाएंगे हम आईएनजी प्लस, क्योंकि यहाँ पे हमें शो करना है कि कंटिन्यूटी हो रही है एक्शन में, इसलिए हम बी को लगाते हैं आईएनजी। और इस टाइप के एग्जांपल्स जो है वो हम इस तरीके से देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1 दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस फ्यू मंथ्स, वो लोग कुछ महीनों से इंग्लिश सीख रहे हैं। He has been learning English since few months. वह लड़का कुछ महीनों से इंग्लिश सीख रहा है। Again, have been और has been का इस्तेमाल have और has के इस्तेमाल के जैसा ही होता है। Friends, next video lecture में मैं आपको सिखाऊंगी past tense, किस तरीके से past tense के sentences बनाए जाते हैं और किस situation में हमें उस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज करना चाहिए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि प्रेजेंट टेंस के सारे सेंटेंसेस हमें समझ में आ जाए। देखिए अगर मैंने राइट एक मेन वर्ब लिया है और मुझे ये कहना है कि मैं लेटर लिखती हूँ, तो मैं ये कहूँगी आई राइट अ लेटर। पर अगर मुझे ये कहना है कि मैं लेटर लिख रही हूँ, तो मैं ये कहूँगी आई एम राइटिंग अ लेटर। यदि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने लेटर लिखा, तो मैं कहूँगी आई हैव रिटन अ लेटर। बट अगर मुझे ये कहना है कि मैं लेटर 2 घंटे से लिख रही हूँ, तो मैं कहूँगी आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 आवर्स। अगर मुझे ये कहना है कि वो लड़की लेटर लिखती है, तो मैं कहूँगी शी राइट्स अ लेटर। और अगर मैं कहूँगी कि वो लड़की लेटर लिख रही है, तो मुझे ये कहना है शी इज राइटिंग अ लेटर। अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसने लेटर लिख लिया, तो फिर मैं कहूँगी शी हैज़ रिटन अ लेटर।
उसी प्रकार से अगर मुझे कहना है कि वो बहुत देर से लेटर लिख रही है तो मैं कहूँगी शी हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर. अब टाइम मेंशन करना है तो कीजिए, नहीं तो नहीं. तो इसी प्रकार से हम और भी नाउन और प्रोनाउन बदल के बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं जो कि आपको करना है, और आप बहुत इजीली प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाकर बोल सकते हैं. फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा. अगले बार फिर से मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, नए टेक्निक्स के साथ. तब तक बाहों में फूल यूं ही खिलते रहेंगे, आपके घरों के दीपक सदा ऐसे ही जलते रहेंगे. और रही ऊपर वाले की मेहरबानी जो घर दोस्तों, तो जैसे हम आज मिले हैं आगे भी यूं ही मिलते रहेंगे. थैंक यू, टेक केयर एंड हैव डू लाइक एज वेल एज शेयर माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट एज सून एज आई पोस्ट माय नेक्स्ट वीडियो यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ दैट. Thanks for watching the video. Stay connected always by keeping pace with the education. Have a nice time.